राजस्थान का चुनावी रण अब सच चुका है, कई बिसातें दोनों ही प्रमुख पार्टियों की तरफ से, बीजेपी हो या कांग्रेस, उनकी तरफ से करी जा रही हैं और अब वो घड़ी बहुत नज़दीक आ गई है जब हम अगर बोलें कि बीजेपी की तरफ से अब टिकट फाइनल कभी भी हो सकते हैं, पहली लिस्ट कभी भी आ सकती है, उसकी तैयारी भाजपा प्रदेश कार्यालय में लगातार चल रही है। अब आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम को जयपुर पधार रहे हैं, उनकी पहली मीटिंग 8 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होगी, उसके बाद कल वो संघ के कार्यालय में जाएंगे, वहाँ पे संघ के लोगों से भी बात करेंगे। तो हम कह सकते हैं वो घड़ी अब आ चुकी है जब बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट जारी होगी और राजनीति के सूत्रों के हिसाब से ये बात कही जा रही है कि कुछ नामों पर सहमति भी बन चुकी है लेकिन उन पर फाइनल मोहर लगना भी बाकी है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ, एक विशाल जनसंपर्क अभियान की तरह उस दौरे को देखा गया, परिवर्तन यात्राओं की वहाँ पर समापन किया गया और अब आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, कई नामों पर सहमति बन चुकी है ऐसा कहा जा रहा है और फाइनल जो मोहर है वो आज लग जाएगी और कल या परसों में फाइनल लिस्ट आ जाएगी, किस प्रकार से देखते हैं आप? देखो, मैं टोंक जिले से, जिला अध्यक्ष रहकर मासवा टोंक शंकरलाला तिवाल, यहाँ हम लगभग 70-80 आदमी रहकर समाज के यहाँ प्रदेश कार्यालय भाजपा यहाँ आए हुए हैं और हमारा निवाई विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और हम निवाई विधानसभा क्षेत्र से रैगर समाज की पैरवी करने के लिए आएंगे, रैगर समाज के व्यक्ति को टिकट दिया जाए। हमारे लोकसभा क्षेत्र में रैगर समाज के लगभग 2.5 लाख मतदाता हैं और टोंक जिले में लगभग 1.25 लाख मतदाता रैगर समाज के हैं और हम इसीलिए यहाँ आए हैं। हम अमित शाह जी से, सीपी जोशी जी से और चंद्रशेखर जी से, इन सभी से मिलने के लिए यहाँ प्रदेश कार्यालय पर आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे इतने बड़े समाज को महत्व दिया जाए और हमारे इतने बड़े समाज की अनदेखी नहीं की जाए और हमारे इतने बड़े समाज को महत्व देकर के और रैगर समाज को निवाई विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया जाए। जब जब भी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे रैगर समाज को टिकट दिया है, वहाँ से रैगर समाज का प्रत्याशी विजय रहा है। हम स्वतंत्र पार्टी के समय से हम भारतीय जनता पार्टी इसके स्वतंत्र पार्टी से जुड़े हुए रैगर समाज जुड़ा रहा है और 1962-67 के अंदर हमारे स्वतंत्र पार्टी से वहाँ से आदमी विजयी हुआ है और श्री जनार्दन जी सालोदिया और 1977 में जनता पार्टी जब बनी तो उससे भी जनार्दन जी सालोदिया विजय रहे हैं। उसके बाद में पार्टी ने हमारी उपेक्षा की तो 2003 में फिर रैगर समाज को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, श्री हीरा लाल जी रैगर को, वो विजयी हुए और बाद कांग्रेस के कद्दावर नेता जो पूर्व डिप्टी सीएम श्रीमान बनवारी लाल जी थे उनको पराजित किया। उसके बाद में 2008 में रैगर समाज का टिकट काट दिया गया तो चारों सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को पराजित होना पड़ा। उसके बाद में 2013 में फिर रैगर समाज के व्यक्ति को वहाँ से टिकट दिया गया, हीरा लाल जी को, फिर रैगर समाज ने चारों रैगर समाज की बदौलत टोंक जिले में चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय हुई। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने फिर रैगर समाज के आदमी को प्रत्याशी बनाया लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट के चुनाव लड़ने के कारण और गुर्जर समाज के द्वारा उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाने के कारण से हमारे प्रत्याशी को वहाँ पराजित झेलनी पड़ी और हम ये चाहते हैं कि इस बार रैगर समाज के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाए और अगर हमारे समाज को प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती है तो आने वाली चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सभी चुनावों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखा आपने, सभी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग चाह रहे हैं कि उनके समाज को उचित प्रतिनिधित्व यहाँ पर मिले और आप देख सकते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर जिस प्रकार से लगातार लोगों का आना जाना यहाँ पर चालू है, सभी लोग जो भी संभावित उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी जो उनकी मांगे हैं कि इस वजह से उन्हें टिकट दिया जाए उस हिसाब से यहाँ पर पधार रहे हैं और आज शाम को जिस प्रकार से हमने पहले भी बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज दौरा है और आज शाम को 7 बजे जयपुर एयरपोर्ट पधारेंगे, रात 8 बजे वो प्रदेश कार्यालय में पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपने अपने प्रतिनिधित्व दर्शाने के लिए। हमारे साथ में जितेंद्र श्रीमाली जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं और नड्डा साहब भी आ रहे हैं और आज कहा जा रहा है कि आज कुछ नामों पर सहमति बन सकती है और बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है, क्या कहना है? देखिए, लिस्ट आ सकती है नहीं आ सकती है ये तो मैं भी जैसे मीडिया से हमको आपको आपसे जानकारी मिली है या अखबार में पढ़ रहा हूँ, बाकी तो संगठन तय करेगा जो भी रीति नीति होगी उसके हिसाब से। तो आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनेगी, कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित हैं। अब तो राहुल गांधी ने स्वयं ने मान लिया है
कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार नहीं आ रही है, तो इसलिए कार्यकर्ताओं में, भाजपा कार्यकर्ताओं में दुगना उत्साह है। मालवीय नगर से आप भी, आपका भी नाम सामने आ रहा है, आप भी तैयारियों में लगे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, कोशिश हम कर रहे हैं मालवीय नगर से, और संगठन का जो निर्णय होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कहा है कि प्रत्येक 200 विधानसभा क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा और कमल का फूल चुनाव लड़ेगा, जो निर्धारित संगठन तय करेगा उसके हिसाब से। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की भूमिका के ऊपर भी कई प्रकार की बातें यहां पर की जा रही हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, इस बारे में मैं कोई नहीं है, संगठन का जो निर्णय होगा वो। जितेंद्र शिमाली जी मालवीय नगर से संभावित प्रत्याशी हैं, सभी अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के ऊपर अभी कोई भी बोलना नहीं चाह रहा है। और कल भी हमने आपको दिखाया था कि एक बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चल रही है, एक दूसरी बैठक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के दफ्तर में चल रही है। खैर, अब अमित शाह जी के दौरे के बाद, जेपी नड्डा के दौरे के बाद में अब ये तय हो जाएगा कि पहली लिस्ट में किन किन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, ये जो मॉक ड्रिल चल रही है वो तो उनकी सुरक्षा के लिए चल रही है कि जो भी चाक चौबंद तरीके से उनकी कैसे वो आएंगे, कैसे वो जाएंगे। हम लोग तो बाहर से आए हैं, हम लोगों को तो खाली एक अपना विषय लेके आए हैं अजमेर से कि दक्षिण का जो हमें हमारा पार्षद वो प्रत्याशी है विधायक का, उसको हटाना है। इसलिए जिस प्रकार से आपने देखा कि हमने पहले भी बताया, तमाम जो संभावित उम्मीदवार हैं सब अपने अपने समाज का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अलग अलग सीटों से अपने अपने प्रत्याशियों की गुहार लेकर आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये लोग सभी पधारे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो पहली लिस्ट जो कभी भी आ सकती है अमित शाह जी और जेपी नड्डा के दौरे के बाद में, उस लिस्ट में किन किन लोगों का नाम होगा, किन किन प्रत्याशियों की यहाँ पर किस्मत खुलेगी और किन किन का टिकट कटेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।